महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ने इसका ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में असेंबली चुनाव करवाए जाएंगे और 3 दिन बाद चुनाव नतीजे आ जाएंगे। चुनाव 20 नवम्बर को होगा और मतगणना 23 नवम्बर को होगी। इसके आगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। वही नामांकन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 4 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतगणना कर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राज्य में 25 नवंबर से पहले असेंबली चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फ्रेंड्स, कमिंग टू झारखंड, झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन 2 फेजेस। द डेट ऑफ पोल, फर्स्ट फेज वुड बी ऑन डेट ऑफ पोल वुड बी ऑन 13th November एंड द सेकेंड फेज वुड बी अलॉन्ग विद महाराष्ट्र ऑन 20th November। So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11th, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra, kripya bahar aaiye, kripya vote kariye.